हाय फ्रेंड्स, सरकट ट्रेडर्स चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। सरकट ट्रेडर्स चैनल में मैं कौशिक सरकार आपके साथ हर रोज की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेकर हाजिर हूँ। दोस्त, आप देख पा रहे हैं जिस हिसाब से मैं कहा था आपको निफ्टी का लेवल, वो लेवल तो आपको एक्यूरेसी हो ही गया, लगभग हो ही गया। कहां से 1000 पॉइंट का डिफरेंस, 11700। यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अगर ट्रेनिंग संबंधित कोई बातचीत है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। दोस्त, हमारा जो नेक्स्ट वर्कशॉप है ये दिल्ली का वर्कशॉप है। दिल्ली के वर्कशॉप के बारे में मैं एक मिनट सिर्फ बताना चाहूंगा कि बाकी वर्कशॉप जैसे हमारा वर्कशॉप नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को 2 दिन में ही सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा, 2 दिन में जो कुछ मैं सिखा के आऊंगा उस चीज के ऊपर अगले 4 हफ्ते तक संडे संडे को आप लोगों को लेके बैठा जाएगा। क्या आप समझ पाए हैं, क्या आप स्टॉक चुन पा रहे हैं, क्या आपका टारगेट अचीव हो रहा है, नहीं हो रहा है तो किस वजह से नहीं हो रहा है, इन सब बातों को लेके हम ऑनलाइन में बैठेंगे हर संडे आफ्टर वर्कशॉप। 4th संडे तक हर संडे हम ऑनलाइन में बैठेंगे। वर्कशॉप का फीस जो है वो 10,000 है। अभी तक जिन्होंने सीट बुक नहीं किया है, करना चाहते हैं तो फटाफट कर दीजिए ताकि हमारा वर्कशॉप का सीट फुल होने के बाद आगे नहीं लिया जाएगा। थैंक यू दोस्त। आगे देखते हैं टेक्निकल चार्ट के साथ, टेक्निकल चार्ट के साथ समझते हैं जो क्या आगे होने वाला है। फ्रेंड्स, एक बात मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा, जो आज का जो क्लोजिंग है ये काफी इंटरेस्टिंग है। आज का क्लोजिंग काफी इंटरेस्टिंग है, आज का जो कैंडल काफी इंटरेस्टिंग कैंडल है। ये जो सपोर्ट है ये एक मेजर सपोर्ट आज लिया है, इस मेजर सपोर्ट से बाउंस बैक हुआ है, ये एक अच्छी संकेत है। लेकिन हमारा जो टारगेट था वो थोड़ी सी और नीचे था, अभी कितने लगभग 100 से 50-60 पॉइंट के नीचे था, जो कि मैं यहां से आप लोगों को बताते हुए आ रहा हूं। इस लेवल को क्रॉस होने के बाद मतलब लगभग 900 से 1000 पॉइंट का गिरावट। अगर मेरा यहां से जब मैं कह रहा था उस टाइम को सुन के अगर किसी ने मार्च सेशन का पुट लिए होते तो उनको आज प्रॉफिट कोई गुना। यहां तो ऑप्शन में निफ्टी में और बैंक निफ्टी में परसेंटेज के हिसाब से नहीं होता है, कोई गुना के हिसाब से होता है। ठीक है, तो चलिए आगे क्या हो सकता है। जिन्होंने मौका गवा चुके हैं उन्होंने हमारे चैनल पे बने रहिए कंटिन्यू, ताकि ऐसे ऐसे मौका आपको आता रहेगा। देखिए, यहां से मार्केट को एक बाउंस बैक होने का, अगर सिर्फ हम टेक्निकल चार्ट देखें, सिर्फ कैंडल देखें, तो उस हिसाब से मार्केट को बाउंस बैक होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है कि 15 मिनट के चार्ट में जाएंगे तो कि आप यहां से बाउंस बैक अगर करता है थोड़ा सा, अगर यहां से इस लेवल से भी गिरावट आता है, देखिए मैं यहाँ पे लेवल क्लियर कर देता हूं आपको, ये लेवल होगा आपको 10,940। इससे नीचे आने की कोशिश करता है तो निफ्टी और गिर सकता है। छोटी सी दे रहा हूं रेंज, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, मार्केट को अता पता होने नहीं दे रहा, कुछ पता चलने नहीं दे रहा है कि कुछ ऐसे ग्लोबल न्यूज आ रहा है जिसका चलते आपको पूरा छोटे छोटे लेवल को तो खत्म ही कर रहा है। सीधा कल का जो मैं माइनस साइड को जो व्यू दिया था वो तो कोई पूरा गैप डाउन सर। तो अब जिन्होंने रात को 10 बजे वीडियो बनाते हैं उनको पता रहता है जब ग्लोबल मार्केट कैसे हो रहा है, क्या संकेत दे रहा है, उसके साथ क्या आगे होने वाला है। ठीक है, तो हमारा मंडे को होली है तो होली का शुभकामनाएं सबके साथ है, होली मनाइए, मैं भी होली मनाऊंगा। शायद मार्केट में कितना देर बैठूंगा मैं उसके ऊपर डिसाइड करूंगा। जैसे आज सुबह सुबह आपको 3 कॉल दिया था, निफ्टी में 1 कॉल और 2 स्टॉक जबरदस्त, ऐसे ही कॉल मैं देता रहूंगा, आप प्रॉफिट कमाते रहिए। आपको अगर इस प्लेटफॉर्म का शानदार मौका उठाना है तो आपने जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके। जिन्होंने पेड सर्विसेज मांगते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं हमारे अंडर जीरोधा का अकाउंट ओपन कराइए या तो एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट ओपन कराइए, आपको मैं पेड सर्विस दूंगा, फ्री सर्विस दूंगा, पेड सर्विस नहीं, फ्री सर्विस। ओके, चलिए, तो यहां से जो निफ्टी का व्यू है ये कैंडल के हिसाब से पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन ग्लोबल न्यूज के हिसाब से कुछ निगेटिवनेस तो बना ही है, कंटिन्यू बना है। तो आज मैं जो 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट वाला जो वीडियो भेजा हूं उस वीडियो को एक बार देख लेना, काफी आज तक आपको निफ्टी का भी कुछ सोल्यूशन वहां से आ जाएगा। ओके, तो उसका भी वीडियो हमारा इसमें है, उसको देख लेना। तो यहां से कौन कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट है मैं आपको जो हमारा चार्ट जो रेडी करता हूं वो मैं दिखा देता हूं, लेवल क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत ज्यादा डिस्टर्बनेस मैसेज कुछ नहीं आया, स्मूथली अगर चले
तो आपको अप साइड में 11,050 को क्रॉस करेगा, तो छोटी सी एक अप साइड मोमेंटम है 11,085। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद 11,200, ओके, तो इस लेवल को ब्रेक के बाद 11,200, मतलब इससे ऊपर अगर उछाल आपको दिखाता है तो लगता है कि अगर कोई मतलब बड़ा न्यूज बाहर से नहीं आया है तो इसके ऊपर आ सकता है, और इसके ऊपर आएगा तो एक पॉजिटिवनेस निफ्टी में आने का चांसेस है। अगर यहाँ पे भी निफ्टी नहीं सुधरा, बाहर का मार्केट से ऐसे ही खराब न्यूज आता रहा, और इस लेवल से नीचे 11,865 इस लेवल से नीचे आता है, तो आपको और भारी गिरावट निफ्टी में देखते हुआ मिल सकता है, जो कि 700 से 750 और 600 की तरफ भी लेके जा सकता है आने वाले दिन में। ये मत सोचना जी एक ही ट्रेडिंग डेज में, लेकिन अभी जैसे हालात पैदा हो रहा है इसमें तो एक झटका में इतना पॉइंट लेके जा रहा है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे एक शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो मेरा बहुत ही करीब और बहुत ही प्यारे दोस्त लोग जो वीडियो देखते हैं, मेरा वीडियो को डिसलाइक करने से भी उनको दिल में ठेस पहुंचता है, तो मैं उनको कैसे मानू, मैं तो मेरा बहुत ही करीब दोस्त मानूंगा जो कि दोस्त को बुराइयां नहीं पसंद करते हैं, तो मैं उनको सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्या तो नाम था, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ दोस्त आपका, तो थैंक यू, आपने कमेंट सेक्शन में लिखे हैं जिन्होंने डिसलाइक करते हैं उनको क्या बिगाड़ा हुआ हमने, ठीक है, तो वेलकम, आपको मोस्ट थैंक यू। तो चलिए ये था हमारा निफ्टी का लेवल, और साथ में जो बैंक निफ्टी का लेवल है वो भी मैं आपके साथ प्रेजेंट कर लेता हूँ, फिर उसका चार्ट में आप बताते हैं। बैंक निफ्टी का लेवल जो है देखिए 28,050 इस लेवल को ऊपर जाकर बिलोंग करने लगता है, ठीक है, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप 28,250 मतलब यहां से लगभग 200 पॉइंट का मूवमेंट बता रहा हूं मैं, उसके बाद 350 एंड 500 मतलब थोड़ा सा अगर अप ट्रेंड और कंटिन्यू हो गया यहां से तो मार्केट और अप ट्रेंड में जा सकता है। अगर बड़ा कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आता है तो यह अप ट्रेंड में रह सकता है, ठीक है, और यहां से अगर डाउन ट्रेंड आ गया, देखिए 28,720 इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो आपको 27,680 यहाँ पे थोड़ा सा रेटिंग मिस्टेक है, 27,680 और इसके नीचे अगर 27,350 को ब्रेक करता है तो और काफी खराब स्थिति होने वाला है, ठीक है, ये लेवल आप थोड़ा सा ध्यान से लिख लीजिए कागज में या तो मोबाइल पे स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको ट्रेडिंग आवर्स में ये चीज आपको ध्यान देगा। और दोस्तों जो हमारे स्टूडेंट है उनको तो पता ही है कि किस हिसाब से आपको 15 मिनट का चार्ट देखना है, तो उस हिसाब से आप 15 मिनट का चार्ट देखते हुए काम कीजिए, ठीक है। आज जैसे दिन में जैसे गैप बहुत ज्यादा गैप अप या बहुत ज्यादा गैप डाउन ऐसे मार्केट में कंफ्यूज कर देता है, ऐसे मार्केट में क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं लोग जो हम अभी करें क्या, मूवमेंट भी ठीक ठाक नहीं रहता है, तो ऐसे मार्केट में लोग सुबह सुबह कमाई का मौका रहता है। अब आप शेयर मार्केट में काम भी करेंगे, सुबह उठेंगे भी 10 बजे, तब तक तो मार्केट का खेल ही खत्म हो जाएगा, ओके दोस्त, तो आई थिंक आपको मैं समझा पा रहा हूँ जो कैसे क्या करना है। यहाँ पे हमेशा कहता हूँ इंटरडे का प्रॉफिट इंटरडे में लेके रहिए, जो अमाउंट का आप रिस्क उठा सकते हो उस अमाउंट का ही आगे का लिए ऑप्शन में रखिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा अजीत दोस्त जो दिल्ली से है उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा है कि उन्होंने 8,00,000 रुपया कमाए हैं सिर्फ हमारे एनालिसिस से, हमारे कहने से, तो थैंक यू दोस्त, आपको भी ऐसी प्रॉफिट करते रहिए, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं तो ऑप्शन चेन देखिए ये सारे चीज जो ये बड़े बड़े ग्लोबल न्यूज आ रहा है इसके आगे फेल हो जाता है, मैं क्लियर शब्द में बताता हूँ, ये सारे चीज बड़े बड़े ग्लोबल न्यूज का आगे फेल हो जाता है, फिर भी हमें देखना जरूरी है, अगर बड़ा कोई ग्लोबल न्यूज नहीं है तो कैसे काम करता है, ओके तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं 11,000 के ऊपर 8,94,000 का यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देख पा रहे हैं। नया दोस्तों के लिए बताना चाहूंगा जब हम यहाँ पे कॉल साइड और पुट साइड दो चीज होता है ऑप्शन चेन में, और कॉल साइड में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉलम को ध्यान दिया जाता है, पुट साइड में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉलम को ध्यान दिया जाता है, तो मैं आज डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, कल मैं ऑलरेडी एक एक पॉइंट करके आपको समझाया था, ऐसे ऐसे बीच बीच में समझाता रहूंगा ताकि आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, बीच बीच में पूरा चीज समझाता रहूंगा, ओके। तो यहाँ पे फिलहाल जो देख पा रहे हैं 11,000 पे हमारे को सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है 11,000 से ऊपर फिलहाल ना जा पाए, और नीचे तो देखियो ये ऑप्शन चेन देख के मुझे ये लग रहा है कि 10,800 और 11,000
इसका बीच में मार्केट शायद कुछ एक दिन बिलोंग कर सकता है अगर बड़ा कोई झटका ना आ गया बाहर से, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे 10,900 के ऊपर भी सेलिंग प्रेशर देख पा रहे हैं और सपोर्ट जो कि है 10,900 पे सपोर्ट थोड़ा सा देख पा रहे हैं, ठीक है दोस्त, 10,900 पे थोड़ी सी सपोर्ट देख पा रहे हैं। ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉलम में, जिस कॉलम में हमारे को ज्यादा राइटिंग फिगर देखने को मिलता है, इसका मतलब पुट साइड में राइट हो रहा है, मतलब इसके ऊपर लोग अनुमान लगा रहा है, और कॉल साइड में राइटिंग हो रहा है, इसका मतलब इससे नीचे लोग अनुमान लगा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे एक रेंज बाउंड रहने का थोड़ा सा एक दो दिन रह सकता है अगर बड़ा कोई ग्लोबल न्यूज नहीं आ गया तो। हम देखेंगे बैंक निफ्टी का क्या ऑप्शन चेन बना रहा है यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी में हम देख पा रहे हैं 28,000 तक के एक रेंज बना रखा है, 28,000 और नीचे के लिए जो रेंज हो रहा है यहाँ पे, तो नीचे में कोई सपोर्ट देने के लिए दूर दूर तक कुछ है नहीं, तो मतलब बैंक निफ्टी में रेसिस्टेंस तो दिखाई दे रहा है 28,000 का, लेकिन नीचे सपोर्ट दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, बैंक निफ्टी और गिर सकता है, तो बैंक निफ्टी और गिरेगा तो मार्केट भी गिरेगा, ठीक है दोस्त। जो मैं टेक्निकल चार्ट में देखा हूं ऑन डे चार्ट फ्रेम में, वो एक अच्छा कैंडल का इशारा था, लेकिन ऑप्शन चेन में उस हिसाब से हमारे को सहारा नहीं मिल रहा है, ओके दोस्त, उस हिसाब से सहारा नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब वीडियो बनने के बाद ही काफी लोगों का कमेंट्स आएगा, सर क्लियर बताओ कहां जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। दोस्त ये अभी क्लियर नहीं है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन जो मैं लेवल दिया हूं आपको वो लेवल को ध्यान दीजिए, देखिए बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो रहा है कि गैप डाउन ओपन हो रहा है। अभी तक जो एसजीएक्स निफ्टी का हालात है वो इंडियन मार्केट के साथ ही है, अभी यही चीज के ऊपर हमने ध्यान देना है कब, मंडे सुबह। तो मैं कोशिश करूंगा मंडे सुबह सुबह आपको 8 बजे तक वीडियो पोस्ट करने का, उस वीडियो में मैं आपको क्लियर बता दूंगा जो मंडे का दिन आपको कैसे रहेगा, ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, किस लेवल रहेगा। अभी तक जो मैं लेवल आपको 2 प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिया हूं उस लेवल पे ध्यान दीजिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, चाहता है इस टाइप का वीडियो, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए और लाइक दबाना ना भूले अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो। थैंक यू दोस्त, टाटा बाय बाय।